किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तरबूजे की फसल की खेती के बारे में, ए टू जेड जानकारी। हम डिटेल में समझेंगे कि उसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, किस समय हमें सोइंग करना चाहिए, कौन से तरीके से सोइंग करना चाहिए, फर्टिलाइजर कब कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल में हम ले सकें। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में भी समझेंगे जिनको यदि आप तरबूजे की फसल में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो आप तरबूजे के उत्पादन में डेफिनेटली बढ़ोतरी देखेंगे। ये जो प्रैक्टिसेस हम आपको बताएंगे, ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे, क्योंकि हमने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके तरबूज की फसल में एक अच्छा उत्पादन लिया है। तो यदि आप तरबूजे की खेती करते हैं, वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यदि हम तरबूज की फसल की क्लाइमेट यानी कि जलवायु की बात करें, तो तरबूजे की फसल एक ग्रीष्मकालीन फसल होती है। इसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस टेम्परेचर में इसकी जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो अच्छी होती है। 18 डिग्री सेल्सियस से यदि कम टेम्परेचर होता है, उस समय यदि हम तरबूज की फसल की बुवाई करते हैं, तो तरबूज की फसल का जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से नहीं आ पाता है। जर्मिनेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। यदि 18 डिग्री टेम्परेचर है उस समय यदि हम बुवाई करते हैं, तो इसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से आता है। जर्मिनेशन बुवाई के बाद लगभग 8 से 10 दिन में हमें दिखाई देने लग जाता है। यदि हम इसकी सॉइल की बात करें, तो देखिए तरबूज की फसल के लिए जो सॉइल चाहिए वो सैंडी सॉइल इसके लिए अच्छी रहती है, यानी कि रेतीली जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके साथ साथ आप अन्य सॉइल में भी इसका उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन उसमें वाटर का जो पानी का जो निकास है, जल निकास है, वो अच्छा होना चाहिए। जल भराव जिस मिट्टी में रहता हो, जिस सॉइल में रहता हो, उसमें इसका जो उत्पादन है वो हम अच्छा नहीं ले सकते हैं। इसलिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, तो हम किसी भी तरह की मिट्टी में हम इसका एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुवाई से पहले हमें ट्रीटेड जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपनी फसल को, अपने बीज को जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, सॉइल में जो जनित जो फंगस है, उससे बचा सके। तो सीड को ट्रीटेड करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, स्यूडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल में हम कार्बेंडाजिम या रिडोमिल गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का प्रयोग कर रहे हैं, तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास पाउडर लेंगे और उससे प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएंगे। और यदि आप मैनकोजे या कार्बेंडाजिम का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बोएं। यदि हम इसके बुवाई के समय की बात करें, तो बुवाई का जो इसका अच्छा समय है तरबूजे की फसल के लिए, वो फरवरी से मार्च का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो इसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर है वो रहता है। यदि हम बहुत से किसान भाई दिसंबर में या जनवरी में बुवाई करते हैं, ताकि वो अर्ली उससे प्रोडक्शन ले सकें, क्योंकि उसके जो रेट है, फिर हम जब अर्ली क्रॉप लेते हैं तो उसके जो रेट है मार्केट में, उन्हें अच्छे मिल जाते हैं। तो देखिए, जब आप जनवरी या दिसंबर में इसकी सोइंग करते हैं, तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर है काफ़ी कम होता है, तो उसका जो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और जर्मिनेशन आने के बाद जो इसकी ग्रोथ है पौधे की, उस पर भी विपरीत असर पड़ता है। तो यदि आप दिसंबर या जनवरी में सोइंग करने वाले हैं, तो या तो आप लो टर्नल बना के करें, या आप ऐसा कर सकते हैं, आप जनवरी के महीने में इसकी नर्सरी लगा सकते हैं ट्रे में, और बाद में जब भी टेम्परेचर हमारा फरवरी में नॉर्मल हो जाता है, तो 1 महीने में ही जो हमारी नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद आप फरवरी में उसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। इससे आपकी जो क्रॉप है वो 1 मंथ अर्ली आ जाएगी, जिससे आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल सकता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप नर्सरी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फील्ड में कर रहे हैं तो फिर आप लो टर्नल बना करके आप जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और जो इसकी फसल है उसको आप अर्ली इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। यदि हम तरबूजे की फसल के बुवाई के तरीके की बात करें, तो जो तरबूजे की फसल की बुवाई की जाती है, तो बेड बनाकर की जाती है या नालियां बनाकर की जाती है। इसकी जो पौधे से पौधे की, यानी कि सीड से सीड की जो दूरी हम रखते हैं, वो 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और नाली से नाली की या बेड से बेड की जो दूरी हम रखते हैं वो 7 फिट रखते हैं, ताकि इसके जो बेल्स हैं या वेन्स हैं उनको फैलने के लिए पर्याप्त स्पेस बच सके। तो ये इसका स्पेसिंग होता है। अब बात आती है इरिगेशन यानी कि सिंचाई की। देखिए, तरबूजी की फसल में 92% पानी होता है, यानी कि वाटर होता है, लगभग 90% तक इसमें पानी होता है। तो क्योंकि इसमें मैक्सिमम पानी होता है इसके फल के अंदर, तो पानी की जो तरबूजे की फसल है उसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको पानी हमें पर्याप्त देना चाहिए, जो हमारी सॉइल है उसमें पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, सॉइल एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए।
तो पर्याप्त नमी हमें समय समय पर सिंचाई करके अपनी भूमि में देते रहने चाहिए। अधिक पानी भी नहीं होना चाहिए, यदि भूमि में अधिक जल भराव रहता है तो भी इसमें विल्ट की समस्या आ सकती है, इसलिए भूमि में जल भराव भी नहीं रहना चाहिए। तो पानी हमें देना है लेकिन जल भराव नहीं करना है। यदि हम इसके फर्टिलाइजर और मैन्योर की बात करें तो देखिए, जो मैन्योर होता है यानी कि गोबर की खाद होती है, वो किसी भी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। उसी तरीके से तरबूज की फसल के लिए भी गोबर की खाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब भी आप तरबूज की फसल के लिए खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी समय अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला देनी चाहिए। यदि आपके पास 8 से 10 टन अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उतनी आपको एक एक कण में डालकर भूमि में अच्छे से मिला देनी चाहिए। यदि हम इसके फर्टिलाइजर की बात करें यानी कि खाद की बात करें तो इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप तरबूज की फसल में 20 केजी फास्फोरस की पूर्ति के लिए 1 कट्टा DAP का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 कट्टे DAP के अंदर 23 केजी फास्फोरस मिलता है, यानी कि जितना हमें जरूरत है उससे 3 केजी एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 1 कट्टा ही आप यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि 1 कट्टे यूरिया के अंदर कितना होता है, 23 किलोग्राम जो हमें नाइट्रोजन मिल जाता है 1 कट्टे यूरिया के अंदर, यानी कि 50 किलो यूरिया के अंदर। और बाकी का जो हम DAP का कट्टा ले रहे हैं उसके अंदर भी हमें 18 किलो kg मिल जाता है, तो 18 kg वहाँ, 23 kg वहाँ, तो ये टोटल हो गया 41 kg, तो हमें चाहिए 40 kg। तो इस तरीके से हम पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि 1 कट्टा आपको यूरिया का डालना है 1 एकड़ में, और 1 कट्टा आपको DAP का डालना है, और आपको 33 किलोग्राम पोटाश डालना है 1 एकड़ में। 33 किलोग्राम यदि आप पोटाश देते हैं तो उससे आपके 20 kg पोटाश की पूर्ति हो जाती है आपके खेत में। तो आपको ये जो न्यूट्रिशन है, फर्टिलाइजर है, ये आपको देना होता है। तो देखिए, जो फास्फोरस है हमारा, यानी कि 1 कट्टा जो DAP है उसको, और जो टोटल हमारा पोटाश है यानी कि 33 kg जो हमारा पोटाश है उसको हमें जुताई के समय, अंतिम जुताई के समय जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय ही मिला देना चाहिए भूमि के अंदर पूरी की पूरी मात्रा को। उसके बाद जो हमारा नाइट्रोजन बचता है, नाइट्रोजन को हमें 2 या 3 बार में देना चाहिए जब भी हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि बुवाई के 1 मंथ बाद, फिर 2 मंथ बाद। तो आप 2 बार में भी डाल सकते हैं और 3 बार में भी डाल सकते हैं उसकी मात्रा को डिवाइड करके, क्योंकि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है जब हमारे प्लांट की, उस टाइम में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइजर को अपनी फसल में देना चाहिए। उसके बाद जो आपको तरबूज की फसल में एक अच्छे उत्पादन के लिए जो प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए वो है पिंचिंग। पिंचिंग यदि आप तरबूज की फसल ले रहे हैं तो पिंचिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। पिंचिंग क्या होती है कि जब भी आप तरबूज की फसल की बुवाई कर देते हैं तो तरबूज की फसल की जो मेन वेन होती है वो जब ग्रोथ कर रही होती है और उसकी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास हो जाती है, तो उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है उसको आप नाखून से कट कर दें आगे से, यानी कि पिंच कर दें, पिंच करके उसको निकाल दें, जिससे कि उस मेन वेन की जो ग्रोथ है वहीं पर स्टॉप हो जाए और जो साइड की वेन है वो भी ग्रोथ करें। तो इससे फ्रूट जो, जब साइड की भी वेन्स ग्रोथ करेंगी तो सभी पे जो फ्रूट आते हैं वो क्वालिटी वाले आते हैं, फ्रूट भी अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी संख्या में आते हैं। तो इसलिए आपको इसमें पिंचिंग को ज़रूर करना चाहिए। आप पिंचिंग करेंगे तो ग्रोथ में जो आपका फसल की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, उसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, फ्रूट जो होंगे वो भी क्वालिटी वाले आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अच्छे उत्पादन के लिए आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है वो है आपको 2 स्प्रे देने हैं। किसके देने हैं? प्लानोफिक्स के देने हैं। प्लानोफिक्स के अंदर होता है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, तो उसके आपको कम से कम 2 स्प्रे देते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी फसल की जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलेगा। फ्लोवर जो होते हैं, फीमेल फ्लोवर होते हैं, फीमेल जो फूल होते हैं आपकी तरबूज की फसल में, वो इंक्रीज होंगे, जिससे आपके फसल में उत्पादन अच्छा होगा, फूल अधिक संख्या में आएंगे, फल भी आपके अच्छे साइज के बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। तो आपके प्लानोफिक्स के 2 स्प्रे जरूर देने हैं, या ये जो केमिकल मैंने आपको बताया किसी अन्य दवा में मिलता है और कंपनी की में, तो आप उसका भी स्प्रे दे सकते हैं। स्प्रे आपको कब देना है, तो देखिए, यदि आप प्लानोफिक्स का स्प्रे कर रहे हैं या कोई भी अन्य दवा का जिसमें यही सेम केमिकल हो, जिसको हम कहते हैं अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, ये जिसके अंदर केमिकल हो उसका आप स्प्रे दें, क्रॉप के जब भी आप 1 महीने के बाद,
एक महीने की क्रॉप आपकी हो जाती है उस समय आपको स्प्रे देना है। इसकी जो मात्रा आपको डालनी है 3 से 3.5 ml पर टंकी डाल के आपको स्प्रे देना है। तो एक तो आपको जब स्प्रे देना है और दूसरा जो स्प्रे आपको फ्लावरिंग से जस्ट पहले आपको दूसरा स्प्रे देना है। तो दो स्प्रे देते हैं तो इससे आपको जो फल के क्वालिटी में अंतर देखने को मिलेगा, उसके साइज को ये इंक्रीज करेगा, फ्लावर के साइज को इंक्रीज करेगा, जो भी फीमेल फ्लावर होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाएगा, जिससे आपके जो फसल है उस पर जो फलों की संख्या है वो भी इंक्रीज होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उत्पादन में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो इन प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं इस तरीके से तो आप डेफिनेटली जो तरबूज की फसल है उसमें एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।